टिकट्स यहाँ पे ज़्यादा महंगी नहीं है, 150 से स्टार्टिंग प्राइस है। आप अपने बच्चे को यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। यहाँ पे पिक्सी लैंड है एंड वो बहुत ही मज़ेदार है बच्चों के लिए। अगर आप अपने बच्चों को मॉल लेकर आते हैं तो यहाँ पिक्सी लैंड में ज़रूर लेकर आना। तो मैं अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आई हूँ पैसिफिक मॉल, जो कि सुभाष नगर टैगोर गार्डन में है। मतलब टैगोर गार्डन एंड सुभाष नगर ऐसा ही कहते हैं। तो आप गेट नंबर 1-2 कहीं से भी एग्जिट ले सकते हैं मेट्रो से अगर आते हैं तो। एंड फाइनली मैं अब अंदर आ चुकी हूँ। बाहर का नज़ारा मैंने बहुत देख लिया, क्योंकि अब मैं छोटे छोटे बच्चों को देख कर मेरा मन कर रहा था कि मैं भी वही एक्टिविटीज़ करूँ, बट वो मुझे अलाउ बिल्कुल भी नहीं करते। एंड आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं है मॉल में, जबकि मतलब फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। एंड यहाँ पे ना विंटर एंड सेल भी चलने वाला है बहुत ही जल्द। वो मैं आपको बता दूंगी कब चलेगा। एंड उससे पहले मैं एक बार मॉल भी आऊँगी शॉपिंग करने के लिए, तो उससे पहले मैंने सोचा चलो आज पैसिफिक मॉल एक्सप्लोर किया जाए। तो यहाँ पर आके सबसे पहले पेट पूजा। तो मैंने यहाँ से कुछ ऑर्डर कर लिया है, जो कि मुझको ज़्यादा ही महंगा पड़ गया। मैं अकेली बंदी और 500 रुपये का खाना खा रही, देख लो। वैसे मैं और भी ऑप्शंस देख सकती थी। यहाँ पे बर्गर किंग है और KFC है। आज वेडनेसडे है तो KFC भी बहुत ही सही है। और यहाँ पे ना सोशल बहुत जल्दी आने वाला है गाइज़ तो मैं बहुत ही बेसब्री से वेट कर रही हूँ अपने फूड का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, देखना चाहती हूँ कि मैं मतलब कैसा टेस्ट होगा, क्या होगा। बहुत ही भूख भी लगी और मैं टेस्ट भी जानना चाहती हूँ एक तरह से। मैं तो फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करना सोचा, मतलब मैंने ट्राई करने का सोचा है कि चलो आज यहाँ से ट्राई करते हैं। मैं हर बारी ना अलग अलग जगह से ट्राई करते हैं। एंड फाइनली मेरा फूड आ चुका है, प्लस मेरी कॉफ़ी आ चुकी है, क्योंकि पूरे दिन में एक बारी मुझे कॉफ़ी तो चाहिए होती है। घर में मैंने कॉफ़ी नहीं पी, इसलिए मैं यहाँ पर पी रही हूँ। ओके, तो मैं अब अपना खाना एंजॉय करती हूँ। मैं लास्ट में आपको बताऊँगी इसका टेस्ट और क्या ये सच्ची में वर्थ इट था मेरे लिए, या फिर इसका टेस्ट बहुत ही बकवास था। मतलब कैसा भी था, जैसा भी था, मैं आपको खाने के बाद बताऊँगी। ओके, अब मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ। सच्ची बताऊँ गाइज़, आपको मेरे फेस से ही पता चल रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ ये खाना ऑर्डर करने के बाद। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आई मीन जैसा टेस्ट होता है ना, ऐसा लग रहा था मैं सादा खाना खा रही हूँ। बीमार हूँ मैं। दोबारा कभी मस्का से ऑर्डर मत करना, नहीं तो वो आपका मस्का ज़रूर लगा देंगे। तो अब फाइनली मैं आ गई हूँ लाइफस्टाइल, क्योंकि मुझे यहाँ पर ही शॉपिंग करनी है। एंड शॉपिंग क्या, मैं किसी से मिलने आई हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे लिए बहुत स्पेशल है। एंड उसने मुझे सीधा होम सेंटर में ला के खड़ा कर दिया। एंड कुछ ऑफर्स चल रहे थे, बहुत ही सस्ता सामान मिल रहा था, तो उसने बोला चल यार बाय कर ले यहाँ से। तो हमने कुछ कुशन्स वगैरह एंड डस्टबिन बाय किया है, और कुछ करने भी वाले थे। एंड ये वॉच हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें ये किसी को गिफ्ट करना है, इसीलिए हम ना अच्छे ऑफ़र का वेट कर रहे हैं। अभी कुछ डिस्काउंट आने वाला है कुछ टाइम में। मैंने बोला था ना सीज़न एंड सेल चलने वाला है, तो अभी कुछ डिस्काउंट आ जाएंगे तब हमें ये वॉच लेनी है, क्योंकि तब ये थोड़ा और सस्ता पड़ जाएगा। नहीं तो ये अभी हमें 5-5 हज़ार रुपये का वॉच पड़ रहा है। थोड़ा बहुत 500 रुपये भी कम होते ना तो दिल को सुकून आ जाता है, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। एंड थोड़ा बहुत और शॉपिंग करनी है, देखते हैं हम कब तक यहाँ पे शॉपिंग करने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ घूम घूम के, क्योंकि ये छोटा सा मॉल तो है नहीं, ये बहुत बड़ा मॉल है। और आप सच में जब आएँगे ना तो आप भी बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा मॉल है, घूमने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब मैं कुछ बैग्स के कलेक्शन देख रही हूँ, क्योंकि मुझे बैग्स के कलेक्शन रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली मुझे बैग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हर बारी कोई ना कोई बैग उठा कर ले आती हूँ। इस बारी मैं अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे कुछ बैग्स अच्छे लग रहे हैं तो मैं बस देख रही हूँ और देख देख के अपना मन भर रही हूँ। वैसे लाइफस्टाइल में ना बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। अगर आप लाइफस्टाइल के अंदर एंटर होते हो ना तो यहाँ पर ना आपको हर ब्रांड का सामान मिल जाएगा। यहाँ पर एले भी था, तो मुझे यहाँ पर मतलब ये वाला ब्लैक वाला जो बैग है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, तो मैंने सोचा चल यार देख लेती हूँ। लेकिन इसका जो प्राइस था, उफ तौबा, थोड़ा तो महंगा होगा ही ना अभी सरोजनी नगर तो है नहीं, तो कोई बात नहीं। मैं बस अब अपना सोच रही हूँ कि चलो यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो मैं और चीज़ें देखूँगी ना तो मेरा मन आता चला जाएगा। तो चलो अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अब मैं अपना बिल चेक करवा लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। ओके कितनी शांति है ना, और कितना खाली खाली सा है। मैं ना वीकडेज़ में ही आती हूँ, मुझे ना वीकेंड में आना पसंद नहीं है। वीकेंड में जब मैं आती हूँ ना तो मुझे यहाँ पे एक भी सीट नहीं मिलती खाने के लिए। फूड कोर्ट में इतना ज़्यादा भीड़ होता है ना कि आप तरस जाओगे बैठने के लिए। फाइनली थोड़ा बहुत शॉपिंग, इतना भी नहीं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हमें सस्ती मिलती है तो उठा लेते हैं गरीब लोग हम गरीब लोग सस्ती सस्ती चीज़ें उठा लेते हैं। तो अभी मैं दीदी का वेट कर रही हूँ और पता नहीं वो कितनी देर में आएगी, जस्ट उनका बाहर ही वेट कर रही हूँ। फाइनली दीदी आ चुकी हैं और उनका ऑफ हो चुका है, तो अब हम जा रहे हैं घर। अब दोनों चटोरे मिल गए हैं साथ, तो बाहर कुछ ना कुछ ठूसते हुए ही जाएंगे। एंड में हमने सोचा चलो यार जूस पी लेते हैं, थोड़ा हेल्दी भी हो जाना चाहिए है ना। तो ओके दिन, बाय बाय गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।